सोनल की रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है वेजिटेबल इन पिंक सॉस विथ हर्ब राइस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ, फिर उसमें कद्दूकस की हुई एक बड़ी प्याज डाल रही हूँ और उसे हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद उसमें 1 टेबलस्पून जितने गार्लिक पेस्ट है वो ऐड करेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पका लेंगे। फिर उसमें 4 टमाटर की प्योरी बनाई है वो ऐड कर रही हूँ। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून जितना टमाटो केचप है वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारा ये सॉस रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना बटर लिया है और उसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना मैदा ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छे से पका लेंगे। फिर उसमें 1.5 कप जितना दूध है वो धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी मिक्स हर्ब ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें 1 चीज़ क्यूब है जो ग्रेट की हुई थी वो ऐड कर रही हूँ। चीज़ मेल्ट हो जाए और एक उबाल आ जाए फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है। तो अब हम वेजिटेबल के साथ पिंक सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ और 1 उसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। फिर उसमें 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक है वो ऐड करेंगे। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें। अब हम उसमें कटे हुए वेजिटेबल्स डालेंगे जैसे फ्रेंच बीन्स, गाजर और कैप्सिकम। आपको वेजिटेबल्स जो भी पसंद है वो आप डाल सकते हो, लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कुछ भी। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर थोड़ी देर पकाएंगे। उसे हल्का सा ही पकाएंगे जब तक वेजिटेबल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। वेजिटेबल है वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने जो रेड सॉस बनाया था वो ऐड करेंगे। और उसके बाद जो व्हाइट सॉस रेडी किया है वो भी ऐड कर देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल के साथ पिंक सॉस है वो रेडी हो गया है। और अब हम बनाएंगे हर्ब राइस। 1 पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है और उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया है। 1 कप बासमती चावल को बॉईल कर रखे हैं वो ऐड कर रही हूँ। फिर उसमें हम 1 टीस्पून जितनी काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि बॉईल करते टाइम मैंने नमक डाल दिया था। और लास्ट में अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे डेलीशियस पिंक सॉस के साथ हर्ब राइस रेडी हो गए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।